इनडायरेक्ट होता है। अभी क्या, कुछ लोग डायरेक्ट सिगरेट पीते हैं, डायरेक्ट तंबाकू खाते हैं, और कुछ लोग इनडायरेक्टली सिगरेट पीते हैं। इनडायरेक्टली मतलब क्या, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं धुआं उड़ा रहा हूँ, आप मेरे पास में खड़े हैं, आपने तो सांस लिया ना, तो वो धुआं कहाँ गया, अंदर गया, तो इसका मतलब आपने भी सिगरेट लिया है कि नहीं। तो ठीक इसी तरह से हम लोग इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को खराब करते हैं। और दूसरा, ये हमारा वेबसाइट www.rcmbusiness.com सभी जानते ना, अगर हम RCM करते हैं तो ये वेबसाइट का जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद जाएगा RCM, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब लोगों का जीवन बदलो और पूरे भारत को बदल दो। लोगों का जीवन कैसे बदला, आजकल लोगों का सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है, तुम्हें भारत में आपने देखा होगा, आस पड़ोस में देखा होगा, अपने घर को देखा होगा, सबसे बड़ा परेशानी क्या है, बीमारी तो चलो एक नंबर, सबसे बड़ा है पैसा। अगर आप बीमार पड़ गए और आपका इलाज करने के लिए पैसा लिया ना, आप उसी दिन मर जाते हो। और जिसके पास इलाज करने का पैसा होता है वो चांस लेता है कि मैं अपने माता पिता या भाई बहन किसी को भी या पत्नी को या बच्चे को एक अच्छा हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा, वहां पर ट्रीटमेंट होता, अगला 10 साल बच जाए। लेकिन अगला 10 साल बचाने के शुरुआत में क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल फ्री में ट्रीटमेंट करता है क्या? यानी हम लोग का सबसे बड़ा टेंशन क्या है, विटामिन एम, विटामिन सी मिल जाता है नींबू से, विटामिन डी मिल जाता है सूरज का रोशनी से, विटामिन एम कहां से मिलेगा ना? हमें विटामिन एम के बारे में चिंता करना है। किसके बारे में चिंता करना है, विटामिन एम मतलब मनी मनी, और जितना विटामिन एम ज्यादा बढ़ाएंगे आपका लाइफ में भी हर चीज बढ़ता जाएगा। सपने देखते हैं, सपना पूरा कर पाते नहीं, नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट क्वालिटी, आरसीएम क्या है, बेस्ट क्वालिटी, मानते कि नहीं मानते, सब लोग तो अपना बच्चा को बोलता है मेरा बच्चा तो सबसे अच्छा है, लेकिन होता है ना मेरा बच्चा भी तो गुंडा हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि माँ बाप के लिए क्या होता है, अपना बच्चा सबसे अच्छा होता है। तो हम अगर आरसीएम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, बेस्ट क्वालिटी। ये हम कर रहे हैं बोल के नहीं, वाकई में हमारा प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटी का है। ये सुनो, प्राइस ब्रेन वाइज है ना, वैल्यू फॉर मनी, यानी हमारा जो प्रोडक्ट है ना, लोग बोलते महंगा है, क्यों लोग बोलते महंगा पता है आपको, उन्होंने सस्ता ही खाया था नाश्ता, और सस्ता में भी क्या खाया था, डुप्लीकेट प्रोडक्ट खाया था, इसलिए तो सस्ता मिलता है। अच्छा, ओरिजिनल प्रोडक्ट सस्ता मिलता है क्या, सोना खरीदते हैं आप लोग, सोना सस्ता मिलता है, सोना तो महंगा ही मिलता है ना, ये सुनो, हीरा खरीदते हैं क्या, हीरा तो और महंगा है, जो भी ओरिजिनल चीज होता है ना वो महंगा ही होता है, है कि नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट क्या, वैल्यू फॉर मनी, 10 रुपए में साबुन मिलता है, 19 रुपए का नमक मिलता है, 54 का अगरबत्ती मिलता है, क्या महंगा है क्या, लेकिन लोगों का दिमाग लॉक है। हेल्थ फ्रेंडली, और हमारा हर प्रोडक्ट क्या है, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है। ये सुन लो, आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे बेल्ट है, बेल्ट आरसीएम का, अपने पति के लिए लेके जाइए, ये बेल्ट चमड़े का नहीं, किस चीज का है, ये रेक्सिन का है, क्यों, कंपनी तो चमड़े का भी तो दे सकती है, लेकिन चमड़े से क्या होता है, बीमारी होती है। हेल्थ गार्ड ऑयल स्वास्थ्य के लिए अच्छा, गामा न्यूटी चार्ज, और इवन अभी आप लोगों के लिए जो बताया गया थोड़ी देर पहले सर ने जो बताया, सर तो बोले थे स्मृति मैडम अच्छे से बताएगी, मैं तो बोलता सर भी बहुत अच्छे से बताते हैं, और मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में जेंट्स लोग ज्यादा बोले, क्योंकि बाहर में ये प्रोडक्ट जेंट्स ही, कोई लेडीज को बेचते हुए देखा क्या, लेडीज को खरीदते हुए देखा होगा, बेचते हुए किसको देखा है, तो मेरे को क्या आप लोग से शर्म करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बस क्या इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेना चाहिए। बाहर का जितना भी प्रोडक्ट है ये सैनिटरी पैड का, उसमें क्या रहता है, पॉलीप्रोपाइलीन, क्या रहता है, बस ये वर्ड याद रखिएगा, पॉलीप्रोपाइलीन रहता है, यानी सिंथेटिक मटेरियल रहता है, और हमारा प्योर कॉटन, कॉटन अच्छा है ना सिंथेटिक अच्छा है, आज से पहले दादी लोग क्या बोलते थे, सूती कपड़ा, कभी बोला था क्या पॉलिएस्टर कपड़ा यूज करो बोलते, क्योंकि मालूम है लोगों को पॉलिएस्टर में कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सही जा रहा हूं मैं, अगर बोर हो जाएंगे तो बोल दीजिएगा बीच में, है ना। चलिए वेलकम, नमस्कार, ये मैं तो मैंने अपने मीटिंग ले बनाया था, आप ये मत सोचिएगा मैं अपने आपको दिखा रहा हूँ, है ना सर, सही है। चलिए चलिए, मैं रिकुरा शर्मा, मेरा घर आमसी दुरोहट में, मैं गुवाहाटी गई हूँ, और हमेशा कुछ नया सीखना चाहता हूँ, क्या आप नया सीखना चाहते हैं, डेली नया सीखिए, डेली नया सीखना है। मैं तो सर को बोल रहा हूँ सर हफ्ते में एक दिन यहाँ प्रोग्राम रखो, यही प्रोग्राम आप लोग आएंगे और नए साथी लोग आएंगे, तैयार है, यस। चलिए कुछ दिखा आपको, व्हाट इज दिस, क्या है ये, बताइए बताइए बताइए, थोड़ा अपना ब्रेन हिलाइए, यहाँ शर्म करने का बात नहीं है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, कुछ नहीं दिख रहा है, एक वॉल में व्हाइट कलर कुछ दिख रहा है, यस और नो, अभी कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
हैप्पी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?